Uh, students, good morning. Uh, students, today we will discuss the 14th chapter of GK of class uh, 6 and that is quiz time. So, we will uh, start after a long time because you were uh, engaged in examination, first periodic test. So, let us uh, start uh, quiz time. The first question of this chapter uh, you know 14, uh, which famous English poet of the 17th century CE wrote his best work after he became blind. Students, he was, you know, John Milton. And the second question Where was Jesus Christ born? Jesus Christ, ka John, Kahawatha, to Bethlehem. Mein. Everybody, you know, uh, according to the Chinese calendar, 2013 is the year of which. एनिमल क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज ए स्नेक एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज वट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड टू बी एवर फाउंड सबसे बड़े डायमंड का क्या नाम है वह है आपका क्वेश्चन नंबर फोर कैलिने क्या था कूली नाइन सी यू डबल एल आई एन ए एन कूली एंड वट इज द टाइटल ऑफ आर के लक्ष्मण कार्टून स्ट्रिप दैट यूज टू बी पब्लिश इन द डेली द टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखते होंगे आर के लक्ष्मण का कार्टून आता था वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते थे तो वो क्या था उनका ये था कि यू सेड इट उनका जो टाइटल था यू सेड इट वट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक सेटेलाइट भारत के पहला साइंटिफिक सेटेलाइट का क्या नाम था यूनो आर्या भट्ट यह था आर्यभट्ट एंड वेन समथिंग बर्न्स विच गैस इज यूज अ ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन तो ऑक्सीजन होगा इसमें व्हेन समथिंग बर्न्स विच गैस इज यूज अब कौन सा गैस होता है यूज उसमें तो ऑक्सीजन विच सी इज एक्चुअली अ सॉल्ट वाटर लैक कौन सा सी सॉल्ट वाटर लैक है तो ये है कैस्पियन सी एंड नाइन क्वेश्चन अप ऑफ द सेम सब्सटांस एज कोल व्हाट इज द सब्सटांसेज दैट इज नाइन का कार्बन कार्बन ही आपको डायमंड भी होता है और कार्बन का कोल भी होता है सो विच स्ट्रीट इन मुंबई इज नोन फॉर इंडिया मेजर स्टॉक एक्सचेंज दसवा क्वेश्चन दलाल स्ट्रीट उसे हम कहते हैं एंड वेयर इज द चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड एलेवेन क्वेश्चन यह है सिंगापुर में चांगी और ट्वेल्थ क्वेश्चन ऑन विच न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड में वॉलते हैं क्या बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग इंडियन लैंग्वेज भारत का सबसे पुराना जो लिविंग लैंग्वेज है वह क्या है तमिल है और वट इज अ डॉक्टर डीलिंग विथ प्रॉब्लम ऑफ बोन्स नोन एज फोर्टीन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको बोलते हैं ठीक okay? है Which country's flag do you expect to see first during the march past at the Olympic Games? Go, Aapka Hoga, Greece. Answer And who was the great Indian reformer and poet during medieval times whose compositions are known as Dohas? 16. Ka. वो है कबीर कबीर के जितने भी कंपोजिशन था वो दोहाज के रूप में हम जानते हैं इन विच लैंग्वेज एज कालिदास रिटेन हिज प्लेस एंड पोएम्स कालिदास किस लैंग्वेज में अपने पोएम्स को लिखते थे बच्चों वह था संस्कृत में लिखते थे वो संस्कृत के महान विद्वान महान कवि में से एक थे वो कालिदास एंड विच आर द टू कंट्रीज हुज बाउंड्रीज आर डी मार्केटेड बाई द रेड क्लिफ लाइंस रेड क्लिफ लाइंस मैंने पहले भी बताया था आपको किस देश से इसका है रेड क्लिफ लाइन एटीन का क्वेश्चन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड विथ विच कॉन्टीनेंट डज द स्वेज कैनाल यू नो लिंक एशिया किस विथ कॉन्टिनेंट डज द स्वेज कैनाल लिंक एशिया एशिया और यूरोप को कौन से कैनाल तो स्वेज कैनाल आपको लिंक करता है विच रोड कनेक्ट्स कोलकाता टू पेशावर ग्रैंड ट्रैंक रोड एंड वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर वुड वी फाइंड द प्रेयरिज प्रेयरीज हम कहाँ हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका में वट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्संस ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम हम नेशनल एंथम कितने देर में गाते हैं <coughs> बावन सेकेंड में एंड वेर इज द विवेकानंद रॉक मेमोरियल लोकेटेड एक कन्याकुमारी में है एंड द गैसेज ऑफ विच प्लानिट गिव है यूनिक ब्लू कलर वो है आपका द गैसेज ऑफ विच प्लान